से कैसे अक्यूट होता है, वीकनेस नहीं होता है। यहां मैं सिर्फ प्रोसेशन आंसू का प्रोसेशन में एपीसीएस का पेस्को को चेंज करेगा बोलने से नहीं हुआ है। जैसे यहां में हल्ला बोलता है, आप में से जो जो इशू को जानता है, जो जो आदमी को दावत है, आप उसका वीकनेस भी बनना है, तब समाज चेंज होगा। दिस इज सबसे पहले आई थॉट कि यहां में दो काफी इंपॉर्टेंट आदमी मिस आउट हो गया, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम और एनपीपी का प्रेसिडेंट भी था, तो पीछे से सब यहां से बोल रहा है कि सब जा रहा है, सब जा रहा है, सब जा रहा है। तो वही जो पर्स स्पीकर जो हमारा नानी बात सार जो स्पीच दिया, पीछे तक गूंज मिला, आप लोग का एनर्जी बरकरार था, हमको लगा यू वांट चेंज। एपीसीएस में जो पेस्को जो नंबर्स ऑफ स्कैम्स हुआ है, आई थॉट यू वांट चेंज। बट जैसे ही भाषण मारते गया, नंबर्स ऑफ स्पीकर आया, धीरे धीरे यहाँ का जो अभी जो रैली में संबोधित करने के लिए बेरस ऑर्गेनाइजेशन से आया, देख रहा है एक बाय एक माइनस होते जा रहा है। आप है क्या जो चेंज करेगा? 5 घंटा जो खड़ा नहीं कर सकता है, आप चेंज करेगा? यहां मैं ज्वालामुखी भी था, अंशु को गाली देने वाला भी था, आपसु को गाली देने वाला भी था। किसी को गाली देना बहुत आराम होता है, बट टू स्टे टिल द लास्ट ब्रीथ फॉर योर कमिटमेंट इज अ वेरी बिग थिंग। आई विल प्रूव दैट। अंशु का एग्जिस्टेंस को, अंशु का इंटीग्रिटी को एक आदमी लीडर्स आता है जाता है, यू डोंट ब्लेम अंशु। अगर हम काल को ये इशू में स्टैंड नहीं होता है, उन्हें से यू ब्लेम नाबम दो तुम, आई विल रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अभी इनफैक्ट हम बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, हम ऐसे एक बंदा स्टूडेंट लीडर है, मेरा टीम है, हमको हम बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि आप लोग से ज्यादा इशू क्लियरिटी मेरा पास है। अभी आप 2017 वाला पेस्को को आएगा, अंशु को अभी यहाँ आपका इशू चेयरमैन बहुत दोहराता ना, थोड़ा सा जवाब देगा, ये डिस्कशन है। 2000 पेस्को एग्जाम कुड बी कैंसल हो सकता था, उसमें भी अंशु था, उसमें भी आपसू था, उसमें नाबम दोदुम नहीं था, मेरा थीम नहीं था। इट इज बिकॉज ऑफ एस्पेरेंस सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड। कोई दोस्त करना चाह रहा था, कोई कौन एग्जाम दे रहा हो, ना अंशु था ना आपसू था। किसी को ब्लेम मत करो यहां में, अंशु आपसू। हम बोला है अगर इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी, चेंज योरसेल्फ फर्स्ट, ये मेरा कहना है। क्योंकि आज का दिन में उस आई गेस 80% हम सही है, ऐसे है। आज इतना आदमी सेल्फ सेंट्रिक हो गया, हर एक जगह में, दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, कहीं भी जाएगा, किरण रिजिजू मुर्दाबाद, पेमा खांडू मुर्दाबाद, हर किसी को, पॉलिटिशियन को मुर्दाबाद, और आदमी को पॉपुलर होना है, सोशल एक्टिविस्ट का नाम बन जाता है। आई से किरण रिजिजू पेमा खांडू इज नॉट परमानेंट, हम लोग यूथ है, इसलिए हम लोग स्टैंड यूनाइटेडली हम लोग स्टैंड करना पड़ेगा। अंशु को क्या जरूरी था आज स्टैंड करने के लिए? आज आप लोग जो इंटीग्रिटी को इतना डाउट कर रहे हैं, इतना कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इतना सिविल सोसाइटी है, अंशु किस लिए स्टैंड किया? आई कैन फील आप लोग का दर्द को हम समझ सकते हैं। 2014 का पेशो को हमने देखा है, 2017 का पेशो को देखा है, इसलिए हमको लगा हर कोई यहां में गाली देता है, अरेस्ट करो नाबम निपो को, अरेस्ट करो, कौन है ये नाबम दो दू मैं, निपो मेरा भैया है। हा जब बीच में भी सुन रहा था नाबम निपो को अरेस्ट करो तो आई डिडंट साउ, हम दिल से दुआ करता है कि मेरा भैया ये इन्वॉल्वमेंट में, ये इसके में इन्वॉल्व नहीं होने से ठीक है। बट देन हैविंग सेड दैट, अगर ये पेस्को में इन्वॉल्व है, ही मस्ट बी अरेस्टेड। दिस इज द स्टैंड ऑफ अंशु, दिस इज द स्टैंड ऑफ अंशु। आई एम नॉट कम्युनल। हमने बोला, बहुत सा मीडिया चैनल में सर्कुलेट हो रहा था, नाबुम दो तुम बचा रहे, नाबुम दो। हेलो, आई वॉज द पर्स पर्सन, आप लोग अगर याद होगा तो नहीं, थ्रोली इन्वेस्टिगेट करना है, थ्रोली इन्वेस्टिगेट करना है, अभी भी हम बोलते हैं। बट देन बिंग बाय वर्चू, बाय बर्थ आई एम नाबम, बाय बर्थ आई एम निशी, हम तो दिल में कहीं ना कहीं सोचता है कि नाबम निपो आप चोर नहीं करने से ठीक है। ये ऐसे एक ह्यूमन ये एक इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट नहीं, ये एक नेचुरल है। बट देन अभी भी बोलता है इफ ही इज इन बोर्ड
ही मस्ट बी अरेस्टेड। अभी हम आप लोगों को क्रोनोलॉजी को बताएगा। हम आप लोग बोलता है कि यहां में ज्वालामुखी पता अंशु जिंदाबाद अपशु जिंदाबाद हम जिएंगे मरेंगे आप लोग साथ में बोला है। ऑन व्हाट बेसिस देन यू से नाबम दोदम स्पीक एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ अंशु। हमने सरकार को बोला हम लोग का दिमाग का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आई विल टेल यू। हम कल को सरकार को भी बोलेगा बोलने से माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू द थ्री मेंबर कमिटी रिपोर्ट। आज तक थ्री मेंबर कमिटी रिपोर्ट को अंशु को फुल प्रिंट वाला का फुल पेज को किसने नहीं दिया है। वो थ्री मेंबर कमिटी विल डिटरमाइन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द ऑफिशियल्स चेयरमैन सेक्रेटरी एंड इट्स मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन गाइडलाइंस। आप लोग अरेस्ट करो बोलते हैं, कोई बेसिस को बात नहीं करता है। वो है आप लोग बोलता है कि यहां में कोई कोई कौन से बोलता है कि यहां में तीन चाबी है दो चाबी है। एक्चुअली उसमें दो चाबी है, एक चेयरमैन एक आपका सीओई का पास होता है, एक डिप्यूटी सीओई का डिप्यूटी सीओई। आप लोग टके जरंग बोल रहा है वो ऐसे नहीं। इसलिए हम बोलता है कि नाबम निपो सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होगा, सेक्रेटरी सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होगा, पूरा टीम होगा, क्योंकि वो चाबी को देने के लिए कमीशन में बेटिंग चलता है। दूसरा चाबी किसका पास होगा, क्या ये कमीशन मिलके तके जरंग को दिया है कि नहीं, दैट वी मस्ट क्वेश्चन टुगेदर। हम हर दिन एसआईसी का साथ हम जाता है बातचीत करता है। यह में बोलता है हम लोग समाज को चेंज करेगा, एफिशियस स्पेस को चेंज करेगा। डू यू हैव ए नॉलेज सेंस फ्रॉम 2021 अंशु ने रिफॉर्मेशन बहुत कुछ कर दिया एफिशियस का अंदर में सिलेबस को, ये आपका ओरिजिनल टॉपिक सिलेबस ये कर दिया 1:3 रेशियो को कर दिया। हा? आपका वन ऑफ द आपका यहां से भी सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात टू सीट इन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हमने एक मांग रखा है कि पीआरसी मैंडेटरी सो दैट नॉन आउटसाइडर कैन नॉट सीट। हम कर रहे हैं, हम पहले से कर रहे हैं, ये मेरा लगाव है, हमको चैन मिलता है। आप सब के लिए हम आप सब कल को एपीसीएस ऑफिसर्स बन जाएगा। आप लोग हमको कोई पहचानेगा भी नहीं, क्योंकि एक दफा दिस में भी रेडिकल स्टेटमेंट। हम तो कहीं दफा मेरा तेचीपुरु मेरा तदक भाई को बोला तके जरंग क्या गलत किया है, तके जरंग ही फर्स्ट इंसान है कि अरुणाचल प्रदेश में जो समाज को बेचा है, हर कोई बेच रहा है, हर डिपार्टमेंट में बेच रहा है, तो तके जरंग बेचेगा क्यों, क्यों नहीं बेचेगा। उसको भी पैसा चाहिए, उसका बीबी है बच्चा है उसका खोई खो, खो, उसका ड्रीम्स है, इसलिए बेच रहा है कि इंजीनियर डिपार्टमेंट बेच रहा है, आपका आपका जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बेच रहा है, और आप में से कल कोई भी सिस्टम से एग्जाम लिखे जाने से भी आप सब भी बेचेगा। विल यू चेंज, आप चेंज होगा, आपका जवाब नहीं है, क्योंकि आपका अंदर आत्मा से आवाज नहीं निकल रहा है, इसलिए हम डाउट होता है होगा क्या। तब तो बोलेगा अंशु स्टैंड करेगा, डेफिनेटली स्टैंड करेगा। अगर रेगुलेशन स्टार्ट होना है, यहां में चोरी को बंद करना है बोलता है। आप अगर इफ ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन और यहाँ का जितना भी यहाँ में सिविल सोसाइटी से पॉलिटिकल पार्टी जितना भी एस्पेरेंट्स है पेरेंट्स और जितना भी स्टेक होल्डर एवरीबॉडी इज ए स्टेक होल्डर इन दिस इशू, अगर हम लोग ये मिलके इशू को रिफॉर्म करता है बोलने से ये एग्जाम से जो रिक्रूट होके आता है एटलीस्ट आप लोग भी अपना सिद्धांत को रखना है, ये दर्द को आप लोग फील करना है, ये हिस्ट्री को दोबारा दोहराना है, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हम ये बोलते हैं, जहां तक रहा सवाल मेरा पांच दिन से इट वॉज मी, अगर हमको डाउट है बोलने से आपका तेचीपुरु चेयरमैन को पूछो या तदक नाला चेयरमैन को पूछो। हम जब कभी भी अगर सीएम मीटिंग में होम मिनिस्टर मीटिंग है बोलने से आई वॉज द पर्सन 2014 तक जो इन्वेस्टिगेट करना है बोलने वाला आई वॉज द पर्सन। हम हमेशा स्ट्रेस दिया है। इसलिए बोलता है ट्रस्ट डेफिसिट का इशू दैट हैज नॉट मे, मेरा लीडरशिप में ऐसे नहीं होगा। हम आप लोग को हम सिर्फ सही और गलत को बोल रहे हैं। हम भी बोलते हैं कि एपीएस अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका ताके जरंग से ऊपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बेसिस ये है। आप बोलता है कि पेपर सेटिंग में आप जाके देखना, पेपर सेटिंग में बोलना है कि विद कोडल फॉर्मेलिटीज पेपर सेटर को ये करता है, प्रिंटिंग को बोलता है। हम लोग मिलके पूछना है कि सरकार को वो कोडल फॉर्मेलिटीज क्या है, सरकार नहीं बताता है।
हम लोग देखने के लिए पूछना है। इतना आदमी को अरेस्ट कर रहा है, उसने एसआईसी एसपी बोल रहा था या मैं मोरनिया गांव का बेच रहा था, आप लोग में से कोई विटनेस बन के आता नहीं? हो मेरा चाचा है, हो मेरा मामा है, हो मेरा अंकल है, हो मेरा कम्युनिटी का है, इसलिए यहां मैं एक मोरनिया गांव का नाम बोला दो। जब आंसू स्टैंड करे आप लोग जानता है तो सच को विटनेस भी देना है। कोर्ट से कैसे अक्यूज होता है? विटनेस नहीं होता है। यहां मैं सिर्फ प्रोसेशन आंसू का प्रोसेशन में एपीसीएस का पेशको को चेंज करेगा बोलने से नहीं हुआ है। जैसे यहां मैं हल्ला बोलता है, आप में से जो जो इशू को जानता है, जो जो आदमी को दावत है, आप उसका विटनेस भी बनना है, तब समाज चेंज होगा। दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्योंकि हमको अंशु को यहां में पब्लिसिटी स्टैंड करने के लिए कोई दरकार नहीं एपीसीएस इशू का। अंशु को अपना पहचान है, आई एम ए ट्रस्टेड लीडर नाउ। आप में से कोई देखा है बोलने से, लास्ट टाइम का मेरा बंद कॉल को देखो, अपना इशू के लिए हम अपना तीन मंत्री को हमने नहीं छोड़ा, ओपन चैलेंज करके निकला, जबकि ये तो जेन्युइन इशू है। यू डोंट डाउट द इंटीग्रिटी ऑफ अंशु, आई स्टैंड, आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर। लास्ट में हम लोग लिखा है कि जितना भी आप लोग का 13 पॉइंट डिमांड को हम लोग करने के बाद लास्ट में हम लोग, इसलिए मेरा लीगल एडवाइजर को हम लोग बहुत रेडिकल स्टेटमेंट देने दिया है, इफ इशू ऑफ अंशु इज नॉट रिड्रेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी इनिशिएटेड विदाउट फर्दर नोटिस। हम लोग सरकार को ओपन माइक में क्यों बताएगा? यह है तो इसलिए हम ये बोलता है कि मेरा तरफ से ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का हिसाब से, मेरा टीम का हिसाब से, पेरेंट्स का हिसाब से, यहां में जितना पॉलिटिकल पार्टी का, सिविल सोसाइटी का हिसाब से, ये लेट अस नॉट टॉक कि अंशु स्पीयर हेड कर रहे हैं, हम लोग ज्वाइन करना नहीं करना। लेट अस वर्क एज ए वन अरुणाचली फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूथ स्टूडेंट। आप लोग को और कुछ कमिटमेंट चाहिए बोलने से हम बहुत ज्यादा भाषण नहीं मारता है, मेरा आदत भी नहीं है। टेक्निकलिटीज आई माइट, आप हमको ये है कि पूरा तो आधा तो चला गया, 60% चला गया, आप सब बचा है। कल को एनी कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग टफ ऑफ द टफेस्ट स्टैंड लेने से भी आई बिलीव, और हम तो ऐसे आप भागने से भी हम लास्ट तक स्टैंड खड़ा करेगा। कभी कभी बंद कॉल में भी एक पत्थर मारता है भाग जाता है, हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखता है ना। पुलिस गोली को ऐसे एक्टिंग करके ये करने से भी आप लोग भाग जाता है, हम उसमें से नहीं है। ये जंग का आगाज है। अगर ये सरकार हम लोग का इस इशू को रिड्रेस नहीं करता, एस्पिरेंट का इशू को रिड्रेस नहीं करता है बोलने से, हम लोग उसको एक एक दुश्मन का हिसाब से देखेगा। ये सरकार सोचता है कि ये इशू को पूरा रिड्रेस कर दिया, ये अननेसेसरी डिमांड है, स्पेशली नल एंड वॉइड जो 2017 केस को हम थोड़ा सा एलाबोरेट कर देगा। सरकार लेवल में अभी ऐसे चर्चा है कि ये कैसे करके इसको नल एंड वॉइड को करेगा, और आने वाला दिन में हमारा निजी समाज में थोड़ा सा हम जानता है थोड़ा पिकुलियर भी है, जितना कैंडिडेट है उसका अपना अपना फैमिली आएगा, अपना अपना सोसाइटी आएगा। हम आपका ये प्लेटफॉर्म से ये जंग को आगाज कर दो। मेरा घर में अंशु प्रेसिडेंट का हिसाब से ना चाचा मामा भतीजा बन के मत आ, हम सुनने वाला नहीं है। नलन बाइक को अगर करना है बोलने से गवर्नमेंट ये तो डिटरमाइन कर ले कि अगर ये 2017 का पेस्को में ये मिनोती बोरंग ओपेत मिबांग अगर नहीं खरीदने से कितना आदमी को मिलना था, कैन दिस गवर्नमेंट असर्टेन जस्टिफिकेशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। 2014 में जो 5 आदमी को अरेस्ट हुआ है, वो अरेस्ट को भी हम बोलेगा लीगल कंसल्ट करने के बाद हम लोग फिर से एफआईआर देगा एसआईटी टीम को। वो 3 मेंबर कमिटी रिपोर्ट बनाने वाला कौन था? वो एसआईटी का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन था? उसको हम लोग ये करेगा। 2017 में हम इसलिए पर्स दिन से हम डेफिनेट बोल रहा था कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जब रिड्रेस करना ही था तो ये लोग पर्स बेंच चैलेंज करने वाले को सेकंड बेंच में क्यों गया? अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस किसी का पास में नहीं है, डे वन से मेरा पास था, इसलिए हम थोड़ा सा ट्रोली हर चीज को जानता है। तो विद इतना तो नहीं बोलेगा आदमी भी ज्यादा नहीं, मेरा तरफ से ये कमिटमेंट है। कभी कभी आप लोग बीच में हम लोग बोलते हैं अंशु गायब हो जाता है, अंशु गायब हो जाता है, अभी आप लोग को पब्लिकली हम अनाउंस करके जा रहा है ये इशू को हम लोग अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग मेमोरेंडम देगा, और अंशु को
थोड़ा टाइम इसलिए देना है कि ये महीना पर्स वीक में हम लोग का निशी इलीट सोसाइटी का प्रोग्राम है, वहाँ हम लोग का कैलेंडर इवेंट होता है, उधर जाना होता है। आप लोग अपना अपना समाज का काम अपना कैलेंडर इवेंट करते रहने से भी आप लोग सवाल करता है कि अंशु कहाँ चला गया, अंशु कहाँ चला गया। अगर मीडिया वालों को भी हम बोलता है कि अगर इतना ही पूछना है उनसे, सीएम को भी मिलके पूछो, डीसीएम को भी पूछो, होम मिनिस्टर को भी पूछो, आप लोग पूछता नहीं है, कब बंद कॉल करेगा, कैसे करेगा, नहीं मानने से क्या करेगा, यही सवाल होता है। आप लोग पूछिए, आप लोग बायलो को पढ़िए, आप लोग एसओपी को पढ़िए, ये है मेरा। तो विद दैट आई कंक्लूड माय स्पीच। मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है कि दिसंबर 9, 10, 11, 12 का बाद निशी इलीट सोसाइटी का हम लोग का कॉन्फ्रेंस खत्म होने का बाद आपका इशू चेयरमैन है, तारक नालो है, जितना भी एस्पेरेंट है, विल मीट अगेन। तब तक हम लोग एक एस्पेरेंट का व्यू को, सोच को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को देखे रहे।